जबलपुर में पवित्र श्रावण मास शुरू होते ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का व्रत पूजन किया जाता है। कहा जाता है सावन माह के सोमवार व्रत का बहुत महत्व है। इस पूरे महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने भक्त अनेक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है सावन मास के सोमवार व्रत को करने से कुमारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस महीने प्रत्येक दिन किए जाने वाले भगवान शिव की आराधना के पूजन अनुष्ठान भक्तों के लिए काफी फलदायक माने जाते हैं। हाँ, आज हमने सावन सोमवार सावन के पहले दिन में आज से शुरुआत की है शिव बाबा की उपासना करने के लिए और निरंतर एक महीने तक करेंगे जी। ये पुरानी दिगंबर कॉलोनी शिव शक्ति मंदिर में डॉक्टर माधुरी राय डॉक्टर शांति भूषण मुरारी। ओम शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा सब की राखियो वरदा के यशवार। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में निरंतर 10 वर्ष होने जा रहे हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक 1 माह श्रावण में प्रतिदिन प्रातः सुबह 7:30 से 10 बजे तक चलता है और दूर दूर से भक्त लोग आकर अभिषेक में सम्मिलित होकर भगवान महादेव सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, अन्नपूर्णा की कृपा बरसाते हैं, धन धान की कृपा बरसाते हैं। राम भजन तिवारी शिव शक्ति मंदिर। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में विगत 10 वर्षों से श्रावण माह में प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाता है। यह कार्यक्रम मंदिर के प्रधान पुजारी सम्मानीय श्री राम भजन शास्त्री जी के सानिध्य में संपन्न होता है, जिसमें जगदम्बा कॉलोनी ही नहीं विभिन्न कॉलोनी के श्रद्धालुजन अभिषेक करने आते हैं। हमारी कॉलोनी के लिए इस वर्ष एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी में जो हम लोग 12 वर्षों से ये निरंतर अभिषेक करते थे, उसकी ये परिणति हुई कि फरवरी में गौरी शंकर जी महाराज की मूर्ति की विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमारे इस मंदिर में हुई। हम सब लोग जो है एक निरंतर ये अभिषेक करके धन्य होते हैं और ये जो आयोजन है बड़ी सफलतापूर्वक निरंतर बिना किसी रुकावट के संपन्न होता चला जा रहा है। संतोष दुबे, सचिव शिव शक्ति मंदिर समिति, जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।